हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रेजर। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मूली का लच्छा सैलड। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ में बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं इसे बनाना, और वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्दी का खास मूली का लच्छा सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो ताजी मूली ली हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च ली हैं। सबसे पहले हम मूली के पत्तों को काट कर अलग कर लेंगे, लेकिन इन्हें आप फेंकिएगा मत, इनसे आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। और अब हम एक पीलर की हेल्प से मूली का छिलका अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों मूली को छील लिया है और अब हम एक ग्रेटर की हेल्प से मूली को ग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर मीडियम साइज का ग्रेटर ले रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा बड़े साइज का ग्रेटर भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और इसे मूली के साथ मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे एक साइड पर रख देंगे जिससे कि मूली थोड़ा पानी छोड़ दे। अदरक को भी मैंने यहाँ पर छील लिया है और अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे, आप चाहें तो अदरक को ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब हम हरी मिर्च को भी गोल गोल बारीक बारीक काट लेंगे। फ्रेंड्स, इस सैलड को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है उसको लेने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी भी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इन सबको एक बॉल में डाल लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच सफेद नमक और 1 नींबू का रस, और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अदरक और हरी मिर्च को लेमन जूस में सोक करने से इनका जो तीखापन है वो काफी कम हो जाता है, और इन्हें एक साइड पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी मूली ने भी थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब हम एक बॉल लेंगे और अब हम मूली को हाथों में लेंगे और इस तरह से इसे स्क्वीज कर देंगे जिससे मूली का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पर हमें मूली को बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना है, बस हल्का सा ही पानी हम इसमें से रिमूव करेंगे, और इसके बाद हम इसे एक मिक्सिंग बॉल में ले लेंगे। बची हुई मूली को भी हम इसी तरह से निचोड़ लेंगे, और यहाँ पर मैंने सारी मूली को निचोड़ कर एक बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। और अब हम लेमन जूस में सोक किए हुए अदरक और हरी मिर्च भी मूली के साथ ही ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। नमक हमने हरी मिर्च और अदरक में भी डाला था और साथ ही मूली में भी हमने नमक डाल के रखा था, तो मैं इसमें और नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी झटपट से हमने ये मूली का सैलड बनाकर तैयार कर लिया है। इसे आप पूरी, पराठा, नान किसी के साथ भी लंच या डिनर में सर्व कर सकते हैं, और साथ ही आप इसे 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि टमाटर को आप तभी ऐड करें जब आप इसे सर्व करें, यानी कि सैलड को सर्व करने से तुरंत पहले ही हमें टमाटर को ऐड करना है। अगर आप इसे बनाकर फ्रिज में रख रहे हैं तो टमाटर को पहले से ऐड करके ना रखें, सर्व करते समय ही टमाटर को ऐड करें। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल रही हूँ, इससे सैलड में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और ये देखिए हमारा मूली का सैलड बनकर तैयार है। इसी तरह से आप भी ये सैलड अपने घर पर जरूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें।